नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में आज सुबह सुबह बिहार के सभी जेलों में हड़कंप मचा हुआ था। हड़कंप इस कारण मचा हुआ था क्योंकि बिहार के सभी जेलों में आज सुबह सुबह वहां के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई है सभी जेलों में। ये जो तस्वीर है वो गया के केंद्रीय कारागार गृह की है, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहां पर भी छापेमारी की गई है। वहां के डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में गया में भी छापेमारी की गई है। और हालांकि इस छापेमारी में गया में कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, लेकिन जो बिहार के अन्य जो जेल हैं वहां पर भी छापेमारियां चल रही है। जैसा कि हमें खबर मिली है उसके अनुसार जहानाबाद में जहां छापेमारी की गई है तो 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा सिवान, छपरा, सासाराम का मंडल जो कारा है वहां पर भी डीएम पंकज दीक्षित तथा एसपी सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। और तमाम जेलों में, तमाम जो जिलों के जितने भी जेल हैं सभी जगह सुबह सुबह आज छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ता ही जा रहा है। लगातार घटनाएं जो हैं वो सामने आती जा रही है, चोरी की हो या फिर हत्या की हो, लूट की हो, ये तमाम घटनाएं बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि ये अपराध का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा चरम पर पहुंचता जा रहा है। और इसी के मद्देनजर ये छापेमारियां की जा रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर हमारे संवाददाता ने गया से भेजी है और अन्य जो तस्वीरें हैं वो भी आ रही हैं। जैसे ही आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये छापेमारियां जो हैं वो तमाम जेलों में बिहार के आज सुबह सुबह की गई है। हालांकि इससे पूरे जो जेल के कैदी हैं उनमें हड़कंप मचा रहा और ये सुबह सुबह छापेमारियां जो है वो पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई है। जैसे पुलिस अधिकारियों से हमें जानकारी मिली, उन्होंने कहा है कि जो ऊपर से दिशा निर्देश हैं उसके आलोक में ये छापेमारियां की गई है और ये रूटीन है, ये हमेशा होते रहता है। और हालांकि लेकिन जो असल खबर है वो यह है कि जो तमाम बिहार में अपराध का ग्राफ है वो जिस तेजी से और जिस रफ्तार से बढ़ रहा है इस वजह से ये छापेमारियां की जा रही हैं और तमाम अपराधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कई जेलों से कि वहां से जो अपराधी हैं वो जेलों से अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि अन्य जो जेल, दूसरे जिलों के जो जेल हैं उससे क्या खबर निकल कर आती है, क्या कहीं पे कुछ आपत्तिजनक सामान मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कुछ जगहों पे मिले हैं, अन्य के खबर आना अभी बाकी है। जैसे ही हमारे पास पहुंचेगा खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।